नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल म्यूजिकल एजुकेशन में। सो दोस्तों, आज हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा TGT का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करना है आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर एक है, एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सामिक। ठीक, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर तथा दक्षिण की संगीत शैलियों का प्रथम संगत किसके समय में हुआ? ऑप्शन एक दिया है शिवाजी, दो अलाउद्दीन, तीन शाहजहां, चार हुमायूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, अलाउद्दीन के समय। ठीक, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन है, व्याकरण के आचार्य हैं? ऑप्शन नंबर एक पाणिनि, दो भांकर भाव, तीन राम गोपाल, चार कंठे महाराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक पाणिनि। ठीक, व्याकरण के, संगीत के व्याकरण के आचार्य। क्वेश्चन नंबर चार है, भारत के ऑर्केस्ट्रा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन एक कुतुब, दो वृंद, तीन ग्राम, चार मूर्छना। तो इसका आंसर होगा कुतुब, ऑप्शन नंबर एक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, पंचम सवारी ताल के विभागों की संख्या है? पंचम सवारी ताल के विभागों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, चार। ठीक, विभागों की संख्या चार है। क्वेश्चन नंबर छः है, रुद्रताल की मात्राएं हैं? रुद्रताल की मात्राएं हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, दूसरा इसका ऑप्शन, रुद्रताल की 11 मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर सात है किस राग का थाट काफ़ी नहीं है? ऑप्शन दिया है दुर्गा, दूसरा गौड़ मल्हार, तीसरा भीम प्लासी, चार नंबर बागेश्वरी। तो दुर्गा का होगा इसका आंसर, दुर्गा होगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर आठ है, पंचम की आंदोलन संख्या 360 है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा 360। क्वेश्चन नंबर नौ है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन से हैं? ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन से हैं? ऑप्शन एक लखनऊ, दो बनारस, तीन आगरा, चार ए और बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, लखनऊ। ठीक, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर लखनऊ है, और बनारस को भी कई लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दस है, हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है? हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है? तो इसका आंसर होगा ठुमरी से। ठीक, ऑप्शन नंबर तीन ठुमरी से। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, टप्पा शैली को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन नंबर एक शाह आलम, दो गुलाम रसूल, तीन गुलाम नबी शौरी, चार मीर। तो इसका आंसर होगा टप्पा को, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा शाह आलम। ठीक, टप्पा शैली को शाह आलम ने लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर बारह है, डाढ़ी डाढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, संगीत जीवी समुदाय। ठीक, संगीत जीवी समुदाय इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, संगीत जीवी समुदाय। क्वेश्चन नंबर तेरह है, तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, राम सहाय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, राम सहाय। क्वेश्चन नंबर चौदह है, अजराड़ा घराने के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर चौदह है, अजराड़ा घराने के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर एक कल्लू खां मीर खां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक, कल्लू खां मीर खां, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है,
पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक टोन, दो स्केल, तीन माइक्रोटोन, चार सेमीटोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक टोन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेमीटोन का अंतराल है, सेमीटोन का अंतराल है। तो सेमीटोन का अंतराल क्या है? 15:16। ठीक, ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर होगा, 15:16 ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस कलाकार को मिला? वर्ष 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस कलाकार को मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दो, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। ठीक, ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्यागराज का जन्म कब हुआ? त्यागराज का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चार, 5 मई 1967 में। ठीक, ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर होगा, असम। ठीक, बिहू नृत्य असम का लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल और असम की पहाड़ियों में रहने वाले भीलों के लोक नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है शिकारी नृत्य, दो कोली नृत्य, तीन टिपरी नृत्य, चार पंथी नृत्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, शिकारी नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कश्मीर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? कश्मीर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? ऑप्शन दिया है हिरक, कुडुम्बा, गजरी, हुडुक्का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, हिरक। कश्मीर प्रदेश का हिरक नृत्य है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाई हरोबा नृत्य है, लाई हरोबा नृत्य है कहाँ का? हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, कुमाऊँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, मणिपुर का नृत्य है। ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ख्याल शैली का आविष्कार किसने किया? ख्याल शैली का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, भातखंडे जी ने, पंडित भातखंडे जी ने। ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर है, ख्याल शैली का आविष्कार भातखंडे जी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, ध्रुपद धमार संगोष्ठी का आयोजन कहाँ होता है? ध्रुपद धमार संगोष्ठी का आयोजन कहाँ होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कुंभा जी संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? कुंभा जी संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन एक राजस्थान, दो उदयपुर, तीन जयपुर, चार जबलपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, उदयपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। धन्यवाद।